भारत की दूसरी आजादी, आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 16, श्री संजय राउत। ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री वन, श्री संजय राउत। सर, सर आजकल मैं देख रहा हूं बैंकों में, देश भर के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स, फोर्जरी के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर सरकार की एजेंसी भी शामिल हो तो चिंता की विषय है। सर, केंद्र सरकार ने मल्टीपल इंश्योरेंस और पेंशन की बहुत सी योजनाएं शुरू की है आम जनता के लिए, लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आया है, मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, क्वेश्चन, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2-3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है, और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है जो बैंकों द्वारा चार्ज की गई प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा खातों धारकों की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाती है। संजय जी, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, yes. गत 3 वर्षों में दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से दो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं, अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखें तो 18,50,71,000 इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41,59,00,000 लोगों को फायदा हो, क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर उसका अगर देखें ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फायदा मिल चुका है वो 7,46,675, यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूँ, और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14,32,274,00,000 मिला है। तो ऐसी ये दो स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, उनके लिए ऐसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है, और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूँ। हाँ दीजिए। क्लियर मैंडेट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर कस्टमर से पैसा लेना है तो उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है, उसके सिवाय पैसा कटा नहीं जाता और उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाता। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। श्री संजय राव, सेकंड सप्लीमेंट्री। एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है,
और सरकार उसमें मुआवजा देती है, लेकिन एक्सीडेंट में व्यक्ति के हाथ पांव आँख या ऑर्गन डैमेज होने पर आप मुआवजा देते हैं या उनकी मौत होनी चाहिए मृत्यु के बाद ही देते हैं, क्लियर नहीं है। एक्सीडेंट बीमा योजना के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ये एक्सीडेंट योजना में क्लियर है जिसमें अगर डेथ हो गया, इट इज़ एक्सीडेंटल डेथ, और एक्सीडेंट का डेफिनेशन भी दिया है गवर्नमेंट के माध्यम से, एक्सेप्ट सुसाइड ऑल डेथ्स आर कंसर्ड एज एक्सीडेंट डेथ एक्सेप्ट सुसाइड एंड एक्सेप्ट विलनेस, मीन्स एक्सीडेंट होना चाहिए, देर शुड बी हर्ट फ्रॉम द हिट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एक्सीडेंट। तो अगर सुसाइड किया तो वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। इवन आई एम सेइंग मर्डर भी किया तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट और उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर इसी में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उनको इररिकवरेबल 2 आईज चले गए, दैट इज अ परमानेंट डैमेज टू द आईज, देन 1 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर दोनों हाथ चले गए तो उनको 1 लाख मिल सकता है इंश्योरेंस, और दोनों पांव चले गए तो उनको 1 लाख इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आँख चली गई और एक हाथ चला गया, स्टिल ही विल गेट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़। कभी कभी एक हाथ और एक पांव चला गया, कटा गया, तो भी उनको इंश्योरेंस 1 लाख का मिलता है। लेकिन इसमें 2 ऑर्गन्स इज एसेंशियल इन दिस रूल। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री धनंजय महादिक। थैंक यू चेयरमैन सर। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर थ्रू यू सर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसा मैं पहले ही बताया कि ये पुअर लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज पॉपुलेशन के लिए और जो अंडर प्रिविलेज है लोगों के लिए है। इस स्कीम में ओनली 20 रुपये का प्रीमियम 1 साल से दिया जाता है, और इसमें भी समझो 1 जून से योजना चलती है, 1 जून से 31 मई तक। अगर किसी ने ये योजना में जैसा 3 महीने के बाद किया तो उसको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी उनको इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैंने जैसे बताया, देयर शुड बी अ परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑर्गन। अगर ऑर्गन हो गया तो उसमें आईज हो, हैंड्स हो, फुट हो, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो भी 2 लाख उनके जिसके ऊपर नॉमिनी है उनको ये मदद मिल सकती है। और अगर मैं बताना चाहता हूँ तो अभी तक इस योजना के माध्यम से 2,115 करोड़ का राशि डिस्टर्बर्स हो चुके, 2,502 करोड़ की राशि यानी लोगों को मदद मिल चुकी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलाता देव। थैंक यू चेयरमैन सर, मुझे सप्लीमेंट्री में बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, भारत में कितने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहे हैं, और देखा जाए तो मैं तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछूंगी कि यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते हैं सालों में, उसमें कितना परसेंटेज रिन्यूअल अमाउंट लेना चाहिए, कोई गाइडलाइन है क्या? अगर है तो उस हिसाब से वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है जो सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिन्यूअल अमाउंट आता है, कभी कभी डबल हो जाता है रिन्यूअल अमाउंट। ये तो मरता क्या ना करता, ये तो हम उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मेरे स्टेट में भी ऐसा हो रहा है, मगर ये हमारे यहाँ पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड है जो नवीन पटनायक जी ने बनाया हुआ है, करीबन 1 करोड़ फैमिली को बिलोंग्स दिया गया है वो कार्ड, मगर उससे बाद में जो इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं, अगर है तो कितना लेना चाहिए, मुझे वही जानना है। थैंक यू सो मच सर। माननीय सभापति महोदय, इंश्योरेंस के बारे में जो पहला क्वेश्चन था उसमें इंश्योरेंस के बारे में अलग अलग कंपनी हमारे देश में है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के इंश्योरेंस की कंपनी लिए तो गवर्नमेंट में नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, यानी और लाइफ इंश्योरेंस भी है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो बजाज अलायंस है,
चलो मंडलम, एमएस जनरल इंश्योरेंस है, फ्यूचर नंबर ऑफ कंपनीज है, आईसीआईसीआई है, लोम्बार्ड इंश्योरेंस है, बजाज इंश्योरेंस है, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हेल्थ के बारे में क्या है। मैं एक डॉक्टर हूँ और बताना चाहता हूँ सर कि सबसे ज़्यादा और सबसे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होगा तो आयुष्मान भारत कार्ड है, और आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ तक इंश्योरेंस मिला है लोगों को, और जिसमें नॉट ओनली द वन पेशेंट वन पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया है, लेकिन पूरे फैमिली को 5 जन को इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें 5 लाख तक उसकी सुविधा मिल सकती है, और इसमें कुछ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स भी है, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ़ायदा हो सकता है, और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, अलग अलग स्कीम्स है, सुरक्षा बीमा योजना है, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस में। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अमी याज्निक। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव अ वेरी सीरियस एंड रेलेवेंट क्वेश्चन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टू स्कीम्स। बोथ द स्कीम्स द बैंक्स एक्ट एज एंडोलिंग एजेंट्स। The policy is issued by the insurance companies, but the entire premium is paid by the client. Now the consent is taken of the client, but complaints are galore on social media as well as complaint forums that they are not aware whether they are insured or not. So where should they claim? So whether the Honorable Minister will initiate some kind of a data collection inquiry from IRDAI, the Insurance Regulatory Authority, and the Department of Financial Services, whether these banks' audited accounts are reflecting these amounts of who are these persons who need this insurance, and whether with which company they have a tie-up. Honorable Minister, no, sir, it is a very serious issue. The complaint is galore, and I would like the Honorable Minister to give me a reply or tell me whether there is going to be a proper inquiry Honorable of Minister. This data collection. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभागृह का बताना चाहता हूँ, ये जो इंश्योरेंस है, जो जिसमें मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, लेकिन जब कभी जो मैंडेट के माध्यम से 20 रुपये या 436 रुपये उनसे अकाउंट से लिया जाते हैं, फॉर्म भरे जाता है, उसका स्लिप दिया जाता है, और वही उसी को ही इंश्योरेंस उनके कर्ता ही कर किया जाता है। और जैसा माननीय मैडम ने पूछा है कि इसके बाद जैसा बैंक इज कलेक्टिंग मनी, बट इट इज़ गिवन टू द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ बैंक टाइप होती है, और कस्टमर को पता दिया जाता है कि ये कस्टमर ये ही बैंक है, क्या बैंक को लगाया जाता है कि ये बैंक में ही लगाया जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से टाइप है, इसके साथ ही होता है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, अकोमोडेशंस, जैसा मैं बताया कि जो अगर क्लेम करना है तो बैंक में भी ओम्बड्समैन रहते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी जैसा इरडाई की बात की, इरडाई के माध्यम से भी ओम्बड्समैन रहते हैं, और उसके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ कंप्लेन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, श्री प्रमोद तिवाड़ी। ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री 1, श्री प्रमोद तिवाड़ी। मैं आभारी हूं आपका, ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न पर आपने मुझे मौका दिया है। योजना का प्रचार प्रसार तो बहुत है, पर जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं सरकार ने वो नगण्य। माननीय मंत्री जी के जवाब देख रहा था मैं, 1 दिसंबर 2023 तक 2,50,00,000 रुपए इस पर खर्च हुआ है, इसमें कितना विज्ञापन में गया होगा ये समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, बहुत ही पॉइंटेड सवाल है मेरा, कि देश की आवश्यकता के अनुसार कितने डॉक्टर, फार्मेसिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, और इस समय देश में कितने उपलब्ध हैं, इस अंतर को पाटने के लिए
क्या कोई स्कीम, कोई व्यापक प्रयास, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि देश की हेल्थ सिस्टम कैसे मजबूत हो। तो हमारी दोनों मॉडर्न मेडिसिन और आयुष सिस्टम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से काम करें। और वैसे एक क्वेश्चन आयुष से रिलेटेड है और ये आयुष मिनिस्ट्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ही बनाई है और खुद ने सजावट की है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत के बारे में है, तो उसमें कुल अभी तक आयुष मेडिकल कॉलेज 2014 में 523 थी, वो 2022 में 780 और ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट सीट्स भी 74% की बढ़ोतरी है, तो 23,974 सीट्स की बढ़ोतरी है। ऐसे पीजी सीट से वो भी 2,102 की बढ़ोतरी 41% रही थी। और ये आयुष्मान भारत सेंटर में हर सेंटर में एक डॉक्टर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और ऐसे ही खुद प्रधानमंत्री ने तो ये आयुष्मान भारत का जो हॉस्पिटल था, उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया है। और आज ये सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से काम करे और हर देश में अभी आयुष और मॉडर्न मेडिसिन के दोनों के डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारा जो गुणोत्तर था उसके आसपास ही काम कर रहे हैं। और कम से कम आज आपको हम बताएं तो कुल ड्यूरिंग हमारी आज का ये क्वेश्चन के अनुरूप फाइनेंशियल 2021-22 में 100 आयुष डॉक्टर्स और 36 अदर पर्सन, वो दो स्टेट में हमने एजुकेट आयुष इसके बारे में ये ट्रेनिंग दिया है। 1,564 आयुष टीचर्स 10 स्टेट के, 421 आयुष डॉक्टर 6 स्टेट के, 22 आयुष पैरामेडिक्स इन वन स्टेट एंड 327 अदर पर्सन इन 7 स्टेट हमने ये आयुर्ज्ञान स्कीम के अंडर ट्रेनिंग दिए। इसके अलावा ईयर 2023-24 में ये लास्ट 8 मंथ में 527 आयुष टीचर्स 7 स्टेट के, 186 आयुष डॉक्टर्स इन 3 स्टेट्स, 30 आयुष पैरामेडिक्स इन 1 स्टेट एंड 117 अदर पर्सनल जो 3 स्टेट के हमने सीएमई कंपोनेंट और इसकी आयुर्ज्ञान स्कीम के अंडर ट्रीट किए। ऐसे ही हमारी दूसरी भी हमारी जो हमारी जयपुर की NIA इसके द्वारा ITR और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा भी स्टूडेंट्स को हम टीच करते हैं। तो ऐसे सब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो हमारे हैं उसको आज बहुत ही अच्छी तरह से काम करें। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री प्रमोद तिवाड़ी। सर, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद नेचुरोपैथी योगा का मैं समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास प्रचार हो। पर मैंने सवाल सिर्फ सीधा सा पूछा था कि इतने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, फार्मेसिस्ट की और जो पैरा स्टाफ, और उसके अनुपात में कहाँ आया सर? नहीं आया। प्रश्न पूछिए दोबारा, मैं चाहूँगा अगर जवाब दे तो अच्छा है। पर एक सवाल मेरा और सुझाव भी है, सवाल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। सुझाव पहले दीजिए और सवाल बाद में पूछिए। ठीक है सर, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें दावा है कि सबको कवर किया जाएगा, अगर माननीय मंत्री जी कोई जानकारी है तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुर्वेद नेचुरोपैथी योग शामिल नहीं है, तो क्या इसको शामिल कराने का कोई इरादा है? अगर है तो मैं स्वागत करूंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, आज हमारी सदन की एक वरिष्ठ सदस्य ने जो सवाल की है
बड़े रेलिवेंट है। स्वास्थ्य सेक्टर में आज एक एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन लाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल की कार्यकाल में उन्होंने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देशवासियों ने, दुनिया ने इसको देखी है और महसूस भी की है, और उसमें से सबको सेवा भी मिली है। सबको मुझे लगता है कि काफ़ी अपने शारीरिक समस्या से राहत भी मिली है। तो इसलिए माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सवाल की है, हमारे ये जो सेंट्रल सेक्टर आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान के जरिए जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नॉन आयुष साइंटिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको उनकी मतलब एम्पावरमेंट के सिलसिले में, आप स्किल के सिलसिले में उनकी क्षमता बढ़ाया जाए, उनकी इसके लिए उनको अधिक काबिलियत बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो व्यवस्था रखा गया है। तो आपका सवाल है कि आज ये जो आपने कहा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमें ये निर्देश दी है कि दोनों सिस्टम को एक साथ आप आगे बढ़ाएं, दोनों सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो निर्देश दी थी, उसी निर्देश को हम निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पिछले 2 साल एक साथ हम लोग काम किया है। और आज एम्स से लेकर अप टू द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक, सब सेंटर तक, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर सेंटर में दोनों सिस्टम उपलब्ध हो, इसके लिए जो भी निर्देश दी है उसको हम लोगों ने, उसको सही लागू करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और हम लोग कर रहा है। तो इसलिए आपका जो सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि दोनों मिनिस्ट्री का लक्ष्य एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। अगर एक ही लक्ष्य है, एक साथ क्यों नहीं काम करे? तो इसलिए एक होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने के सिलसिले में जो भी आज सारे प्लानिंग की गई है, जिसको लागू की गई है, मुझे लगता है कि देशवासियों के लिए हो या दुनिया के लिए हो, ये बहुत बड़े एक उदाहरण है, और ये निश्चित रूप से होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ा काम में आएंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल जैन जी सर, थर्ड सप्लीमेंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर देश में ही नहीं, दुनिया में आयुष का फैलाव हुआ है, और आयुष के प्रति दुनिया के लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, और दुनिया के लोग आयुष के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। और मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं। कोरोना के समय पर भी, मैं मॉडर्न मेडिसिन से आता हूं, मैंने मॉडर्न मेडिसिन के पूरे देश भर के डॉक्टर्स की भी बातचीत की, उसके साथ साथ आयुष के लोगों ने कोरोना के समय पर जो योगदान दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर, वो सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दुनिया में आयुष के प्रति जो लगाव हुआ है, और इस प्रकार आयुष के माध्यम से दुनिया के लोग भारत में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ऐसे आयुष वीज़ा के लिए हमारे कितने लोगों को वर्तमान में ये वीज़ा दिया जा रहा है, आगे आने वाले समय में आयुष वीज़ा कितने लोगों को और दिया जाएगा, सरकार की इसके बारे में क्या नीति है, और आने वाले 5 साल में आयुष को प्रमोट करने के लिए और दुनिया में आयुष के फैलाव के लिए और वीज़ा बढ़ाया जा सकता है और फैसिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी हमको अवगत कराने की कृपा। मिनिस्टर जी, हमारे आदरणीय अनिल जैन जी ने जो भी सवाल की है, सवाल का जवाब यही है कि अब हेल्थ हिल इन इंडिया, मेडिकल ट्रेवल टूरिज्म और दुनिया की ये हब बने चिकित्सा के सिलसिले में। तो इसलिए दुनिया के अलग अलग प्रांतों से जो भी हमारे आयुर्वेदा चिकित्सा के लिए
आयुष की चिकित्सा के लिए जो भी आना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए एक अलग सा कैटेगरी वीजा नोटिफाइड की गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले दिनों में आज जो व्यवस्था खड़ा हुई है, आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता बिहार में जो है सिर्फ 6 साल के अंदर फुटफॉल 17.5 लाख हो चुका है, 17.5 लाख। और WHO का डायरेक्टर जनरल ने भी एक बड़े डेलीगेशन लेकर उन्होंने भी विजिट किया है और बड़े प्रशंसा की है। साथ साथ में कुछ दिन पहले 12 अफ्रीकन कंट्री की उनके हेड ऑफ द नेशन के डायरेक्शन को ओ मानते हुए 12 एम्बेसडर ने भी खुद आया और हमारे व्यवस्था को देखा। तो इसलिए साफ यही है कि हिंदुस्तान में जो भी अभी हॉस्पिटल नेटवर्क बने हैं और साथ साथ में हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमारा साइंटिस्ट हो, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी स्टाफ को जिस हिसाब से शक्ति दी गई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है दुनिया को साथ लेकर दुनिया को स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़े सेवा देने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, इसलिए उन्होंने ये बात देखिए आप लोग सुन तो लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने UNO की हेडक्वार्टर की जो भी प्रीमिसेस में जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट की है जिसका नेतृत्व उन्होंने दी है और 135 देशों का डेलीगेट ने उस कार्यक्रम में भाग लेकर दुनिया को ये साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेक्टर में जो भी उन्होंने उपाय दी है इस उपाय सही है और ये वैज्ञानिक है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे अनिल जैन साहब ने जो भी सवाल की है इस सवाल का जवाब यही है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात G20 में रखी है, 1 Earth, 1 Family, 1 Future। सो दैट्स द 1, इट इज फॉर 1 Health। सो वसुदेव कुटुंबकम, इतने बड़े उन्होंने बात रखी जिसके जरिए आज दुनिया को भी ये बात मानने के लिए सब कोई सहमत है। तो मुझे लगता है कि हमारे अगले दिनों में इस सेक्टर में ऐसे ही दुनिया का आकर्षण बढ़ाने में हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े प्रतिभात होकर काम करते रहेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair, Kerala is known as a land of Ayurveda. I think everybody knows that from different parts of the world, the people are visited there for the treatment. Sir, Chairman also participated in the programs there. So what I am asking to the minister, there the lot of noted institutions are there like Kottakkal Institute, Ari Vaidya Shala, Thiruvananthapuram Institute, Kannur Medical College are there. But a national level important institute on Ayurveda, because the proper study, research and scientific promotion of the Ayurveda is very necessary. So what kind of initiative from the union government is there? Then what is the plan of the union government to promote the Ayurveda institutes in Kerala? So government have any plan for the national level Honorable Minister. Institute, Ayurveda Institute in Kerala? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य ने सवाल की है इसके जवाब में इतना ही कहूँगा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर प्रांत को हमारे आयुष सिस्टम से जुड़ने के लिए हमने जो भी कदम उठाए हैं इसमें केरला भी है। केरला अपना खुद का पहचान भी है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में केरला ने बहुत बड़ा योगदान दी है और इसलिए अगले दिनों में निश्चित रूप से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक अगर प्रपोजल और दे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम विचार करेंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री मैडम कोयनाक। A
I'd like to ask the Honorable Minister, under capacity building and continuing medical education component of Ayurgyan scheme, does the ministry have plans to train Ayush doctors and other personnels in the rest of the states not yet covered in the country, and especially northeastern states of Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura? Thank you. Honorable Minister. मैं मैडम को धन्यवाद देता हूँ माननीय सभापति जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से है और मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ, और सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दी है, बहुत बड़ा मेहनत की है. आई वॉज ऑल्सो देयर इन नॉर्थ ईस्ट फॉर 3 years. थैंक यू सर. सो दैट इज ए प्रायोरिटी सेक्टर for our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has given everything for the speedy growth of North East. That's why I, being a Northsterner, I am especially grateful to honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And in this regard, so far 33 integrated Ayush hospital were approved, and 9 are functional, and 33 integrated Ayush hospital are already under different stages of implementation, and more than 850 numbers of health and wellness centers are being improved. So I believe that's the way we are trying to make Northeast very much sensitive in this regard, in the sector of education, research and training, as well as for hospital better facility. Thank you. Question number 18, Sri Neeraj Dangi. Question number 18. Honorable Minister. Supplementary 1, Sri Neeraj Dangi. Sir, mic, sir. सर, मेरे प्राथमिक प्रश्न का जो फोर्थ भाग है उसका आंसर प्रॉपर नहीं है. मैं समझता हूँ कि पूरा प्रॉपर आंसर आना चाहिए था. मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या वित्त मंत्री जी उन विशिष्ट उपायों या प्रयासों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जिनकी योजना सरकार बना रही है, या इसके अतिरिक्त डिफॉल्टरों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए लागू की गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय और माननीय सदस्यगण, अलग अलग स्कीम के माध्यम से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से, अलग अलग सिटीजन्स को जिनको ज़रूरत है उनको लोन देने की स्कीम्स है, जिसके माध्यम से वो व्यवसाय करें और व्यवसाय के बाद उनका इनकम बढ़े. जिसमें मैं बताना चाहता हूँ, मुद्रा लोन स्कीम है. मुद्रा लोन के माध्यम से अलग अलग, जैसे अलग अलग स्कीम्स है, और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनके इनकम के लिए है, और जो इनकम बढ़ाने के लिए जो आप दिया है, जैसा आरबीआई गवर्नर के आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है, जिसके एनपीए जो है, जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनको भी कुछ लोन देना नहीं चाहिए. उसके बाद देर इज़ अ सम यूनिट्स विच आर डिबार्ड फॉर गिविंग द लोन्स फॉर द विलफुल डिफॉल्टर्स, उनको भी लोन देना नहीं चाहिए. इसके बाद इन सरकार के माध्यम से 2018 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया था. वो कोड के माध्यम से अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो उनके ऊपर जो कॉरपोरेट ऑफिस के केस हो सकती है. सम फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018 में एक्ट लाया है, जो जिनके माध्यम से बड़े अकाउंट एनपीए हुए और जो इंडिया में रहते नहीं, उनके ऊपर भी केसेस हो रही है और उनका ये हो रहा है. इसके बाद लुकआउट सर्कुलर भी दिया जाता है बैंक के माध्यम से, जिन्होंने लोन का बराबर रिटर्न नहीं किया है. इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोन्स रिटर्न नहीं करते उनके फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एक क्रिसिल जीएस माध्यम से सर्कुलर जाता है. जिन्होंने ज़्यादा लोन लिया है उनका सर पर सभी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. तो एक तो जो एनपीए अकाउंट कम होना चाहिए, बैंकों की वसूली अच्छी तरह से होना चाहिए, उसके साथ
कुछ इनकम और कुछ इनकम जनरेटिंग स्कीम्स भी है जो मैं बताना चाहता हूँ। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगी। सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ऋण लेने वाले गारंटर्स को लेकर के है जो गारंटी देते हैं। वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऋण न चुकाने के मामलों में गारंटरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कोई विधायी या नियामक परिवर्तन विचाराधीन है? यदि हाँ है तो उसकी डिटेल्स, उसका ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय और माननीय सभागृह, मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभागृह को बताना चाहता हूँ कि जो बारोअर है उतना ही इम्पोर्टेंट गारंटर है। अगर गारंटर के उन्होंने साइन किया होगा, बैंक के पेपर साइन किया होगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्वल लाइबिलिटी देने का और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे माध्यम से जो अलग अलग कार्रवाई जो की जाती है बैंक के माध्यम से, उनके ऊपर सिविल सूट या DRT कोर्ट में केस हो जाती है। उसके बाद सरफेसी एक्ट 2002 के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रम्सी कोड IBC 16 के माध्यम से भी कार्रवाई हो जाती है, और ये इन सभी चीज़ों से उनके ऊपर गारंटर के वो अलग ना सोचते हुए उनके माध्यम से कार्रवाई हो जाती है। और बैंक ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है लास्ट मंथ, अगर गारंटर ने पैसे साइन किया है तो ही इज आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, तो गारंटर को कोई सुविधा नहीं मिल सकती, गारंटर इज आल्सो इक्वलीबल एज अ कस्टमर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री विनोय विश्वम। यू सर। सर देयर इज अ मैजिक मेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज कॉल्ड हेयर कट्स, एंड द गवर्नमेंट क्लेम दैट विद दैट मैजिक द विलफुल डिफॉल्टर्स आर handles and the NBS are settled and the government has made what days. Your supplementary. Can the government be kind enough to tell the house the amount of haircuts made by the banks and the government for the willful defaulters who are the corporate houses? Thank you, sir. Honorable Minister. It's not the government which suggests saying take this haircut or take that level of haircut. There is an established mechanism through which the Committee of Creditors decides on the basis of the proposals which are before them to see what is the best solution which can be offered. So first I would like to dispel the impression that the Honourable Members having and also probably putting before this House that the government decides on how much has to be the haircut. Not at all. There is an institutional bylaw mechanism which decides on how the creditors are going to be paid back. So I would like, first of all, that thought to be removed. And if that thought is removed, there is no further answer required, according to me. Fourth supplementary, Sri Jawahar Sarkar. Sir, this question has been replied to in terms of receding amounts of bank loans, bank write-offs. Fair enough. The point that I want to ask is that are we making international comparisons? Because the IMF data released every 6 months shows that the average loan write-off, average bad loan, what we call GNPA to total loan, GNPA to gross NPA to total loan is around 1% to 1.5%. India went up to 11%, a humongous 11%. Forget the history. Your supplementary. My supplementary is government making comparisons with international norms to understand how good or how bad we are? Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चंस हमें राइटिंग में भी पूछा था, और मैं पहले बताना चाहता हूं, रिटर्न ऑफ लोन, राइट ऑफ लोन या डिक डजेंट मीन वी आर गिविंग द वेविंग ऑफ द लोन, देर इज़ अ डिप लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर बैंक ने राइट ऑफ लोन किया तो
तो उसी का बैंक प्रोविजन करती है और जो कार्रवाई होना चाहिए जैसे मैं पहले बताया वो कार्रवाई पूरी तरह से जो अकाउंट जिनका एनपीए है जिनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है जिसमें डीआरटी कोड से हो इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड हो या सभी कार्रवाई हो जाती है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें जो एनपीए के बारे में भी उन्होंने सवाल पूछा था 11.4 अगर मैं बताना चाहता हूँ तो 11.4 जो हुआ था एनपीए दैट वाज इन 2018 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आ गई और ये सरकार आने के बाद चार साल बैंकों को प्रोविजन करना पड़ा इसीलिए और उसके बाद ऐसा कोई भी फोन बैंकिंग नहीं था कुछ इंटरफेरेंस नहीं था बैंक में इसीलिए चार साल एनपीए बढ़ता गया। लेकिन अगर हम देखें तो एनपीए इतना कम हो गया है कि अराउंड 2% के आसपास है। एक मैं फिगर देना चाहता हूँ जिसमें अकाउंट अगर हम देखें एनपीए तो 2.06 करोड़ से 5.72 लाख इतना एनपीए कम हो गया है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि राइट अप और वे अप में फ़र्क है। नंबर दो जो कुछ एनपीए हुआ था वो पहले इसमें हुआ था और एनपीए का परसेंटेज भी हमारे पास मैं बताना चाहता हूँ 2022-23 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एनपीए 3.87% है पब्लिक सेक्टर बैंक का 4.97% है और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 2.29% है। ये ग्रॉस एनपीए है। अगर हम आफ्टर राइट ऑफ करने के बाद अगर नेट एनपीए अगर देखें तो 0.95 1.24 और 0.055 इतना नेट एनपीए है। तो जो 2018 में जो माननीय सदस्य ने फिगर दिए 2018 की फिगर है 2018 से 2022 तक कंटिन्यूसली एनपीए कम होते जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ सभी सभागृह को कि अभी बैंक का पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर सितंबर टू सितंबर लास्ट ईयर का अगर हम लास्ट ईयर का तो 1,04,000 करोड़ का बैंक प्रॉफिट में और दिस ईयर मीन्स सितंबर टू सितंबर आई एम सेइंग द प्रॉफिट इज अराउंड 1,32,000 करोड़। ऑल बैंक्स आर इन प्रॉफिट एनपीए इज गोइंग डाउन एंड अंडर द माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और बैंक अच्छी कर रहे हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री जयराम रमेश सर ऑनरेबल मिनिस्टर आई जस्ट वुड सीक योर परमिशन सर टू से द क्वेश्चन इज नॉट बीन आंसर्ड इट्स एब्सोल्यूटली बीन आंसर्ड। NPA's gross and NPA's net are coming down. And if the... Let me finish. One second. Are coming down. And the numbers are before me. I'd like to read for those who think, no, we are hiding facts. No, I will read by year the net NPA's coming down. And Honorable Member Jawahar Sarkar's question about would you want to compare it with the West? I just want to give one line, sir. If NPAs are coming down in India, and steadily at that, at every year's number shows, which I'll read it out, and would the Honorable Member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US, if that has not been kept in the back of the mind of the member, and he still would raise, would you do international comparison? This is the comparison which speaks for itself. So if you want me to name by country and then by India's banks comparison, it's hair splitting. You are, as a senior member of the House, aware that even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of the banks in both these countries? Not only NPA is coming down, profit margins going up of the banks. So, for the sake of the member who would want to persist on this question, I would seek his intelligence as much as yours, sir, in kindly listening to this number. Public sector banks, scheduled commercial banks, I would read both, first the scheduled commercial banks and the public sector banks subsequently. Net profit, net NPA ratio reduction. The high point was
2017-18, when scheduled commercial banks had a 5.94% of NPAs and public sector banks had 7.97. Next year it comes down to 3.65, public sector banks comes down to 4.80, and subsequently 2.81, 3.76, 2.39, 3.11, 1.67 to 2.19, and 2022-23, sir, it's come down, the scheduled commercial banks' net NPA ratio as a percentage has come down to 0.95. And it has come down to 1.24 in public sector banks. Honorable Minister. Sorry, sir. They're drawing me to the temptation. Honorable Member Yagnik is a very senior member, a lawyer. She knows the technical terms, from terminologies. Write-off and waive-off. Come on. I hope the member of this House are not going to be tired of us repeatedly saying, what is a technical write-off? What is a waive-off? To go on asking this question, I'm not going to be tired to reply. But waive-off and write-off, is this wanting a second reply? We've repeatedly said. I would urge Johar Sarkar, a very experienced senior member, to word his question directly, pinpoint it. NPA, gross NPA to total load is a percentage that is internationally accepted. Year by year comparisons are given out, and it is 1 to 1.2%. On an international average, India has not come anywhere across it in the last 8 years. Would the minister, who has read so much, who has been kind enough to intervene, give us a year-by-year comparison of the IMF standard or the IMF-accepted international standard of gross NPA to total load Mr. Sarkar, India's? Please, sir. I would. Please. Honorable Minister, Honorable Minister, may pardon my ignorance. Your minister used an expression, phone banking. What does that mean? Which one, sir? Phone banking. Phone banking. Thank you, sir. That would take me back. If you go in a little term, it's okay. Sir, thank you for giving me this opportunity. Phone banking was that time when in Indian banking, people would call the banks and say, so-and-so would come to seek a loan from your bank, please grant it. Meaning, don't have to look at his eligibility or his credit ratio. You must have to give him. So, actually, sir, today when this debate is being really hot enough to talk about gross NPA, IMF standard, measuring NPA versus the gross profit of the, or the total loans issued, and so on, the heart of the problem was when, during the 10 years of the rule, UPA's ruling, between 2004 and 14, phones were used to ask for delivery of loan to customers who were not worthy of being given a loan. The burden fell on us to sort the Indian banks out with reforms, identifying, first of all, the 4 R's that we talk about. Prime Minister Modi sat with all of us and sat with the entire, my predecessor spent a lot of time, Shri Jaitley, spent a lot of time understanding where the problem was and working together with the Reserve Bank of India. So the phone banking was the method through which the political interference spoiled all our banks and drove them to loss-making situation. Today, if enthusiasm is shown on asking questions about NPAs, it is, first of all, look at the problem which contributed to NPAs and made Indian banks actually having a twin balance sheet problem. And the twin balance sheet problem made the Indian economy come down to being a fragile economy. That fragile economy today is the fastest growing and a rate of 7.6 in the last quarter. So please, kindly do recognize these things before questions on NPAs are asked. Shri Jairam Ramesh, the last supplementary. Sir, thank you for giving me the opportunity finally for asking a supplementary.
Sir, yesterday the Honorable Finance Minister answered a question in the Lok Sabha and said that there are 2,623 willful defaulters who owe the banks 1.96 lakh crores. Now, I would like to ask the Honorable Finance Minister, what extra and special steps are being taken to deal with willful defaulters? Because a willful defaulter, by definition, is a deliberate defaulter. He is full of will to default in the first place. So I would like to ask the Honorable Finance Minister, without getting into the history, 2,623 individuals own the bank's 1.96 lakh crores. Would she consider naming and shaming them? Honorable Minister. Pressure on these. Honorable Minister. Sir, action is being taken on willful defaulters. My answer in the Lok Sabha is actually indicative of banks taking steps towards getting the money back from these people. Action, again, I'll just highlight the cases because that will specifically answer a question raised by the Honorable Member. As of 31/3/2023, the legal suits for recovery were filed against 13,978 accounts. Action under SARFAESI have been initiated in 11,483 cases. FIRs have been filed in 5,674 cases. Aggregate amount of 33,801 crores have been recovered till 31/3/2023. The amount recovered is 33,000. Sir, therefore, the actions, and also there was a time, I think I've answered a parliament question about cases taken up by the ED. Now, why do I bring that here specifically? The monies recovered and the monies returned to the banks themselves, subject to correction, because I'm just saying it out of my memory, more than about 13,000 crores have been given to the banks from these defaulters on whom PMLA cases have resulted in action through the Enforcement Directorate. So monies are being recovered through CBI cases, monies are being recovered through SARFAESI. So specific action through the various legal provisions are being taken, and as a result, monies are going back to the banks. Now, as on 1st December 2023, just a couple of days ago, assets amounting to 15,186.64 crores have been confiscated by the ED. I want this specifically on the record. 15,186.64 crores have been confiscated by the ED, out of which amounting to 15,183.77 crores have been restituted to the public sector banks. That amount where I said subject to correction 13,000, I stand corrected. The amount is more than 13,000. It is 15,183.77 crores which have been restituted to the banks. So the bank, the phone banking, NPA, what goes to the bank? This is the kind of constant action being taken by the CBI, ED, and the income tax and others, that money, both from the willful defaulters and from others who owe the Consolidated Fund of India, the money which has to go back through the banks or otherwise directly, are being put back. So this 15,183.77 crores is under the PMLA. Furthermore, sir, PMC Bank has recovered. I'm sure many from Maharashtra will be interested in knowing about this. PMC Bank has recovered 104.02 crores with active cooperation and support of ED. Assets amounting 692.89 crores have been confiscated under the provision of the FEOA 2018. So monies are constantly being recovered, not small amounts, huge amounts, which are going back to the public sector banks. Thank you, sir. Question number 19, Sri Mukul Balkrishan Vasnik.
Honorable Minister. Sir, supplementary. Sri Amar Patnaik. Sir, so it's really laudable that we are on track as far as achieving the non-renewable component in the energy consumption basket. So, but I have a worry, sir. There is a report which says that Orissa has a potential of 1.5 lakh megawatt of solar energy, much greater than the assessment made by government. In the reports, or in the answers which you have been furnished by the department, this is projected at 465.23 megawatts. So if this potential is harnessed for every state, do we think that we can actually have much larger component of non-renewable sector in our energy consumption basket, in which case net zero actually becomes net positive for us, and we could actually be showing to the world that we are having a growth strategy which is much more greener than even what was anticipated world over. Honorable Minister. Mr. Chairman, sir, what the honorable member read out was the established solar capacity in Orissa, not the potential. So the potential is much more. What is happening, honorable Chairman, sir, is that we set up capacity through open bids, and naturally capacity is set up where, with preference to areas where the solar insolation is the highest or the wind speeds are the highest. So therefore, I mean, the solar insolation is not the highest in Odisha. The solar insolation is higher, much higher in Rajasthan or Andhra Pradesh, etc. So the preference by developers is given to these areas. And the whole country is connected by one grid. Therefore, it makes sense to harness solar potential in those areas first, where the insolation is higher so that the cost of power is less. And Mr. Chairman, sir, as the honorable member himself noted, actually, we are not only doing satisfactorily, we are doing very well. In fact, what we did was that we had pledged that by 2030, we will have 40% of our capacity coming from non-fossil fuel sources. We achieved that in 2021, that's 9 years in advance. And today, our established capacity is about 186,000 megawatts, which is about 43% of our total established capacity. The target which we have said we'll achieve by 2030, that's 50% of our established capacity, we'll achieve before that. Because right now, apart from 186 gigawatts which has been installed, I have another 114 gigawatts which is under installation. Now, if you add all these, it comes to 300 gigawatts, 300,000 megawatts. And by 2030, my total established capacity would be in the region of about 780 gigawatts. So 50% of that is in the region of about, let's say, 370 gigawatts. So I just have to add about 80 gigawatts more. We'll achieve this target well in advance. Dr. C.M. Ramesh. Potential at a low level, then we will be only achieving that target. But if we actually, whatever figures have been mentioned here, wind energy, solar energy, hydropower energy, if our potential is even higher, then we should actually target to actually achieve that, in which case we will have much better potential to achieve a higher growth rate, and even our fossil component can weaken even more. Well, the honorable member can meet the honorable minister in his chamber. Dr. C.M. Ramesh. Sir, as per the minister said rightly now, to achieve the goals, every year we had to do 30 gigawatts solar, I'm telling about the solar. But doing the 30 gigawatts solar, now our manufacturing solar panels in India is not matching, not even 10 gigawatts. Some of the whatever we are manufacturing, now in the USA there is a lot of demand. Now majority of the manufacturers, they are sending to the USA, and we are not importing because of BCD 30-40% tax. Question. Now how to achieve this, minister has to explain now. Honorable Minister. One, of course, is my friend, Mr. Patnaik. Our ambition is not limited
to achieving 50% of our capacity. In fact, our ambition is much higher. As the Prime Minister announced, by 2030, we'll have 500,000 megawatts of established capacity coming from non-fossil fuel sources. So actually, our ambition is much higher. Now, I already have 300,000 megawatts established. I have to establish about 200 gigawatts to get to 500 gigawatts. So we've laid down a trajectory of bidding out 50,000 megawatts every year. That will actually take us to the another about, we have 6 years left to 2030. Thank you. If I add 50 gigawatts every year, that will take me to 600 gigawatts. So I'll be ahead of that target as well. Now, the problem is about the problem which my friend Ramesh mentioned. The House was about will meet availability of solar cells and modules. The Honorable Member may interact with the Honorable Minister. Right. The House will meet again at 2 p.m. today.